अस्सलामुअलैकुम नर्सी क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड, माशाल्लाह से आप लोग ठीक हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे ज़ोर से कहते हैं वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि जैसे बस मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। बाग बाग मतलब खुश हो गई हूँ मैं ज़्यादा। आज का जो हर्फ है, हम नया हर्फ सीखने जा रहे हैं। कौन कौन बता सकता है कि क्या है? मैंने नहीं आज बताना, आज आपने बताना। ये बात, वाओ से वर्दी, वाओ से वरक, वाओ से वादा। वादा कैसे करते हैं? दोनों हाथ मिला के, है ना? दोनों हाथ जब शेक हैंड की तरह हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो वादा हो जाता है। वाओ से वादा, वाओ से वर्दी, वाओ से वरक। जब हम उर्दू का सॉन्ग गाते हैं उसका साउंड वाला, तो हम कहते हैं ना, वाओ से वर्दी फौज की वर्दी। किस किस का सॉन्ग पूरा याद है? उसमें आता है ना ये, वाओ से वर्दी फौज की वर्दी, है ना? जी जी जी, ये वही वाला वाओ है। बिल्कुल ऐसे पहले गोल घुमाना है, फिर यूँ गोल 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 करके नीचे ले आना है इसको। हम इसकी बनावट सीखेंगे और उसके लिए हम चलते हैं अगले सफ़े पर। जी जनाब, हमारा आ गया है अगला सफ़ा। वाओ से वर्दी, वाओ से वरक और वाओ से एक जो हम बजाते हैं गिटार जैसा होता है थोड़ा थोड़ा, क्या होता है? वायलन। बिल्कुल, वाओ से वायलन भी होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी सीखते हैं ट्रेसिंग। मैं करीब करती हूँ आपको दिखाने के लिए, गौर से देखना है। गोल 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 घुमाया और नीचे ले आए, लाइन को टच किया, बस छोड़ दिया। और आपको पता है ना ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? कि हमने अपनी पेंसिल से डॉट सारे छुपा देने। लेकिन उसके पीछे मकसद ये होता है, उसका मतलब ये होता है, ये इसलिए हम करते हैं कि हमें वाओ की तरह हाथ घुमाना, पेंसिल घुमाना, ऐसे ऐसे करना आ जाए। ऐसे ऐसे करना मीन काटा पीटा करना नहीं। देखें, ये पेंसिल मेरी कैसे घूमनी है, यूँ यूँ, तो वाओ बनना है। गौर से देखें ज़रा, ऐसे नज़र आ रहा है ना? आप गौर से देख लें और करीब करके देख लेते हैं। हम मसला ही कोई नहीं है, गोल गोल घुमाया और ये लाइन से टच कर दिया, ठीक है? अब फिर देखें गौर से। अच्छा, ये बिल्कुल काफ जैसा लगता है कि काफ बनने लगा है, लेकिन वो लाइन से नीचे उसका तो लाइन से चला जाता है यूँ, पेट नीचे। इसका पेट नहीं जाएगा लाइन से नीचे, बल्कि इसने तो लाइन से नीचे थोड़ा सा भी नहीं खिसकना, लाइन के ऊपर ऊपर बैठना है। ये लाइन से थोड़ा सा भी नीचे गिरता है अपने बेड से तो ये रोने लग जाता है। ये छोटा बेबी ऐसा है जो अपने बेड पे बैठा हुआ है, और जब वो थोड़ी सी उसका पाँव भी नीचे रोता है तो वो रोने लग जाता है कि मम्मा मुझे बचा लो आके, ऐसे, ठीक है? ये देखें, ये कोई भी डॉट नज़र नहीं आना चाहिए, वरना तो बेकार हो जाएगा। गौर से देखते रहे, गौर से, ऐसे, ठीक है? अब बाकी का पेज आपने खुद ट्रेस करना है। मैंने आपको इतना ही सिखाना था, और पूरा पेज अगर मैंने कर लिया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे भाई, ठीक है ना? अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ कि हमने खुद राइटिंग कैसे करनी है, खुद 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 काम करना। तो अच्छा सा वाओ बनाना सीखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। ये है लिखाई करें, और उसके बाद हम बनाएंगे तस्वीरें, ठीक है? लिखा हुआ है तस्वीरें बनाएं, तो तस्वीरों के लिए जगह भी दी हुई है उन्होंने इतनी प्यारी सी, और वहाँ पे तस्वीरें बनाने के लिए दो तीन तो हम तस्वीरें बना ही लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वाओ लिखना कैसे है। देखिए, हमने शुरू करना है नुक्ते से। जैसे वाओ काफ के लिए काफ नहीं होता दो नुक्तों वाला, काफ से कैंची, उसके लिए हमने यूँ सीधी लाइन छोटी सी बनाई, फिर गोल घुमाया, फिर यूँ लाइन से टच कर दिया गोल घुमाते हुए। अब मेरा थोड़ा सा उस तरह का गोल नहीं बना, मुझे रेज़ करना पड़ेगा। देखिए ना, जब पहली दफ़ा काम करते हैं ना तो
आपसे भी यही मिस्टेक्स होंगे, यूं अब अच्छा लग रहा है, दूर से दिखाऊं, अब देखें, है ना, थोड़ा सा और अच्छा बनाने की अगली दफ़ा फिर कोशिश करेंगे। सीधी लाइन बनाई, गोल घुमाया, फिर गोल गोल करते हुए लाइन को टच किया और बस। फिर देखें, सीधी लाइन, गोल घुमाया, लाइन को टच किया, बस स्टॉप। इसको भी बंद होना चाहिए सर्कल को, ठीक है, समझ आ रही है बात थोड़ी थोड़ी। दोबारा देखें गौर से, सीधी लाइन, गोल घुमाया, लाइन को टच, वाओ बन गया। ओके, अब दोबारा आते हैं नीचे, सीधी लाइन, गोल और लाइन को टच, दोबारा देखते हैं, इधर देखें, सीधी लाइन, गोल घुमाया और ये लाइन को टच कर दिया, वाओ बन गया। थोड़ा सा मेरा भी वाओ जो है ना वो आपके जैसा बन रहा है, मुझे भी रेज़ करना पड़ रहा है। और रेज़ करने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम सही काम नहीं कर सकते, हम तो रेज़ करके भी ठीक काम कर सकते हैं और बहुत प्यारा काम कर सकते हैं। दोबारा देखें, सीधी लाइन, गोल बनाया, लाइन को टच कर दिया, लाइन से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। दोबारा एक ये वाला भी देख लें, लास्ट सीधी गोल लाइन, छोटी सी सीधी लाइन बना के राउंड बना दिया, इधर देखिए, सीधी लाइन, राउंड बना दिया, अगेन रेस, सीधी लाइन, राउंड और ये लाइन को टच, ओके। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं वाओ से तस्वीर। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक अलग जो उड़ रहा है ये वरक है, पता है ना, इसके ऊपर समझे कुछ लिखा हुआ है, इन पे भी लिखा हुआ है, और ये भी नीचे पेजेस है मजीद। अच्छा, पेजेस को हम उर्दू में कहते हैं वर्के, नीचे और वर्के हैं, ये ऊपर वाले वर्के हैं, ठीक है। ये तो हो गया वर्क, ये क्या हो गया मेरे बच्चों, वर्क, वर्क कहते हैं इसको, वर्क, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बनाते हैं हम, वायलन, बहुत आसान है, ऐसे करके ऐसे एट की शक्ल का यूं किया, ठीक है, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर इसी स्ट्रेट लाइन के साथ एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा ये शेप दे दी, सॉरी इसने बाहर नहीं आना, इजी इजी सा वायलन बना लेते हैं हम, और यहाँ पे एक इसके क्लिप लगा होता है, एक थोड़ा सा आगे क्लिप लगा हुआ होता है, और ये एक इसके ऊपर स्टिक होती है, इस स्टिक को भी हमने डबल कर लेना है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैंडल है इसके साथ यूँ राउंड सा वो बना हुआ होता है हैंडल सा, और ये इसके यहाँ पे भी दो क्लिप्स होते हैं ऐसे, यहाँ से आवाज़ आती है इसकी सर्कल में से। ये बन गया हमारा वायलन, वाओ से वायलन, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा वाओ की तस्वीरें भी बना ली हमने, और हमने वाओ लिखना भी सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब आप देखें वाओ से बनने वाले मज़ीद ज़खीरा अल्फाज, वाओ से वरक, वाओ से वायलन, वाओ से वैगन, वैगन, वैगन में अक्सर बच्चे स्कूल आते हैं, पता है आपको, कौन कौन आप में से वैगन में स्कूल आता है,
मैं भी वैगन में आती हूँ। बिल्कुल, मुझे देखा था ना आपने। वाओ, अब हमने वाओ लिखना है, क्योंकि ये सारी वाओ से बनने वाली चीज़ें हैं ना, तो हमने वाओ लिखना है। वाओ, खुद लिखना है, खुद, मम्मा से नहीं कहना। वाओ, वाओ से वैगन, वाओ से वरक, ठीक है। अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा काम करके मुझे भेजना है साफ़ सुथरा। जैसे देखें, मुझसे मैंने जानबूझ के इतनी सारी मिस्टेक्स की ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना रेज़ कर सकती हूं एक काम को, और रेज़ कर करके अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो स्टार मिलता है, टीचर भी खुश होती हैं, मम्मा भी खुश होती हैं। जब स्टार मिलता है बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा खुश मम्मा होती हैं, पता है ना। अच्छा, अब ये सब काम करके आपने मुझे बख्शिश भेजनी है। मैं आपका वेट कर रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे शहज़ादे से बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी अपना काम मुझे करके भेजें और मैं उनको चेक करके वापस रिटर्न करूँ, ठीक है। ये तीनों पेजेस आपने वन बाय वन करके करने हैं और अच्छे अच्छे करने हैं, थकना भी नहीं है, प्यारा सा काम करके फिर मुझे भेजना है, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ ही हमारे आज के सबक का टाइम ख़त्म हुआ, आज तक का वक्त ख़त्म हुआ। अब इसके साथ ही हम अगले हर्फ के साथ मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मा को तंग बिल्कुल नहीं करना, काम करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। ज़ोर से बोलना है अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।